बताएं बहुत क्या बढ़िया। जानकारी चाहते मेरा हैं। प्रोफेशनल, जी अपना नाम बताएं जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम आदित्य देव। आदित्य नाम है आपका, जन्मतिथि बताएं आदित्य जी। 26/10/1998। 26/10/1990, समय बताएं जी। 98 98। 98, हाँ जी। 26 अक्टूबर 1998। 98, हाँ जी। टाइम छब्बीस सुबह 8:26। दस 1998, मेरी एक बार जन्मतिथि सुने जी आप आदित्य जी, 26/10/1998। जी 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 ठीक है, समय बताएं जी। सुबह 8:26। सुबह 8:26 का आपका जन्म है, और जन्म कहाँ पर हुआ है आदित्य जी? वर्धमान, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है। किस बारे में जानना चाहते हैं आदित्य जी, बताएं? मेरा मेरा प्रोफेशनल करियर के बारे में सवाल है। हम टेक कॉम्प्लीट किया था, उसके बाद हम नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कौन सा नौकरी होगा, ये मेरा। जी सबसे पहले आपकी कुंडली को एक बार करेंगे वेरीफाई आदित्य जी, आपकी कुंडली को वेरीफाई करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपके शरीर पर कहीं बर्थ मार्क, कोई लाल काला चटका, कोई लहसुन का निशान है या नहीं? जी जी आदित्य जी है या नहीं जी, बताएं, है? बिल्कुल जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कंफर्म कराने के लिए कुंडली को। कुंडली बिल्कुल आपकी ही देख रहे हैं, ये चीज मैंने कंफर्म कर ली है। आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, आपको बड़ी समस्याएं आएंगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपना करियर शुरू करने में आपको बहुत समस्याएं आएंगी, आसानी से शुरू नहीं हो पाएगा। आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए जहां भी हाथ डालेंगे, जहां भी कोशिश करेंगे, वहीं नुकसान हो जाएगा। नौकरी के लिए तलाश करेंगे तो दर दर भटकना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, फिर भी नौकरी आपकी नहीं हो पाएगी। कभी कहीं किसी दिन लग भी गई नौकरी तो आप वहां पे लंबे नहीं टिक पाएंगे, किसी न किसी कारणवश वह आपको उतार चढ़ावों से ग्रस्त होकर छोड़ देनी पड़ेगी, इसी तरह का जीवन रहेगा। क्या अभी तक आपने कोई काम किया है, कोई नौकरी करी है आपने? नौकरी कुछ मास पहले किया था लेकिन वो छूट गया था। अच्छा, वो छूट गया था। एक ही नौकरी करी है आज तक आपने केवल? एक ही नौकरी, प्राइवेट कंपनी। ऐसा जी जी आदित्य जी, आपको बाय बर्थ जो समस्या है उसके कारण ऐसा रहेगा। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ये समस्या आपके खत्म हो जाए और आप एक अच्छा जीवन यापन कर पाए, जिससे आपका जीवन निर्वाह का साधन आपको मिल पाए। उसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय आप करेंगे तो देखो, मैं किसी के जीवन में समस्याओं को तो नहीं खत्म कर सकता, वो तो ईश्वर के अधीन है चीजें, ठीक है। हाँ, आप उपाय करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी बताएं, बोलिए बोलिए। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते वक्त, किसी भी नौकरी के लिए कोई भी नया काम करते वक्त नीला और काला कपड़ा बिल्कुल धारण नहीं करेंगे, नीली काली चीजें साथ लेके नहीं जाएंगे, सबसे पहला कार्य। जी जी ठीक है। अचानक आपको गुस्सा आएगा, वैसे तो बहुत अधिक सभ्य होंगे आप, सहनशील भी होंगे, परंतु बहुत अधिक जिद्दी और बहुत तेज गुस्सा करने वाले होंगे, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। अचानक बहुत तेज गुस्सा आता है जिसके कारण बने बनाए काम आप खुद बिगाड़ लेते हो, है ना? बिल्कुल। हाँ, वो चीजें हैं, उन पे काबू करेंगे। आपकी जो बहुत तेज गुस्से की जो स्थितियां, आप भूल जाते हो किसके सामने कैसे बात करनी है, आपके सामने चाहे जो भी हो वो आपके कोप का भाजन बन जाता है, वो नुकसान करेंगी वो चीजें ना, तो उस चीज का आप ख्याल रखेंगे। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताएं दीपिका बेटा, जन्मतिथि बताएं। 29 मई 1990 सर। 29 मई 1990 बेटा, और जन्म का समय बताएं बेटा। रात के 1:30 बजे का जन्म है बेटा आपका, और जन्म स्थान क्या है बेटा? लुधियाना सर। लुधियाना, पंजाब का आपका बेटा जन्म है, ठीक है। बच्चे बने रहे आप हमारे साथ, आपके बारे में सारी चीजें अभी बता दी जाती है। कुंडली को पहले करेंगे एक बार वेरीफाई, आप मेरे साथ बने रहे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा, और फिर बताते हैं आपको कुंडली के बारे में। सुने बेटा, आप ध्यान से सुने, आपका कोई दांत टेढ़ा तिरछा है दीपिका बेटा? टेढ़ा तिरछा नहीं है सर, चौड़े दांत हैं। ठीक है, ऊपर के दांतों के बीच में गैप है बेटे, ऊपर के सामने के दो दांतों के बीच में? नहीं सर, सामने के दांतों में गैप नहीं है। ठीक है बेटा, अब अगली बात को सुने कि आपकी गृहस्थी में कोई समस्या है, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी सर, हो चुकी है शादी। गृहस्थी में कोई समस्या आ रही है बेटा, गृहस्थी में दिक्कतें हैं? हाँ जी सर। ठीक है बच्चे, आपकी गृहस्थी में बेटा दिक्कतें हैं, रोज के झगड़े होंगे, आप मायके रहने को मजबूर हो जाओगे और आपके संबंध विच्छेद भी नहीं होंगे और शादी ठीक भी नहीं चलेगी, ये समस्याएं होंगी। आप स्वतंत्रतावादी विचारों की धनी, आपको झूठ पसंद नहीं है, झगड़ा करना खुद से पसंद नहीं है, बहुत अधिक सभ्य
सबका सम्मान करने वाली, परंतु अपने सम्मान पे बात आ जाए तो उस पर उसका विपरीत में जवाब देने वाले हो। आप में कोई दुर्गुण नहीं है, आप बहुत दार्शनिक विचारों के, साधु स्वभाव के हो। आपको लोगों को खाना खिलाना, जीवों की सेवा करना और किसी जीव को ना मारना, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये सारी चीजें पसंद है। कुंडली आपकी ठीक है तो बेटा बताएं। हाँ जी सर। अच्छा बच्चे, आपके बारे में हम कितने प्रतिशत ठीक बता पाए हैं इस कुंडली को देखकर बेटे? सही बताया सर आपने, जो भी सही बताया। बेटा अपना प्रश्न करें, बच्चे किस बारे में जानना चाहते हैं बेटा? सर मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चढ़ाव आ रहा है, मैं माइक के बैठी हूँ और मेरा केस लगा है घर वाले से, जिसका भी मैं ज्यादा करती हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल है। जी बेटा एक चीज और बताना चाहूंगा कि मायके में भी आप सुखी नहीं रहेंगे, घर वाले भी आपके विपरीत हो जाएंगे, घर वाले भी आपको ताने कसने शुरू कर देंगे, ऐसा समय चल रहा है आपका। ठीक है ना बेटे? ठीक है बेटा, आपको बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, नहाना है, एक लोटा तांबे का जल भरना है, उसमें गुड़ और कुमकुम डालना है, भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ठीक है, एक काम तो ये करना है। अगला कार्य ये करना है कि शिव मंदिर कितनी दूर है आपके घर से? नजदीक है सर, मैं रोज जाती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ रोज। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। ठीक है बेटा, आप क्या चाहते हो कि घर वाले से पिंड छूट जाए या घर वाले से वापस पैचअप हो जाए, क्या चाहते हो वैसा उपाय बताओ मैं आप। सर मेरा घर वाला तो नहीं रह सकती, उसने दूसरी वाइफ रखी हुई है, इसी कारण उसके साथ मेरा झगड़ा चल रहा है। जैसे है। मेरे जैसे मैं किसी से ज्यादा मतलब कि किसी से ज्यादा लगाव करती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में ला लो। ठीक है सर, मैंने उसको भी पैसा पूछा, उसके ऊपर बहुत विश्वास किया, वो भी मेरा दुश्मन बन जाता है, वो मेरे ऊपर इतना विश्वास जता देता है कि मुझसे पैसे ले लेते हैं। बेटा किसी को भी पैसा नहीं देना है, जिसको पैसा दे दिया बच्चे वो पैसा वापस नहीं आएगा, आपको बुराइयां मिलेंगी, किसी के लिए कुछ भी कर लेना आपको कभी भलाई नहीं मिलेगी बेटे। हाँ जी सर, मुझे बुराई मिल गई है, पहले ही बुराई मिली, एक चीज। हाँ बेटे एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आपको डस्ट एलर्जी है? हाँ जी सर। आपको डस्ट एलर्जी है बेटा? हाँ सर है। धूल मिट्टी से एलर्जी है बेटा? ठीक है। हाँ जी सर। एक चीज मुझे और बता दो फिर, आप 19 साल से 21 साल के बीच में अचानक तेज बीमार हुए थे बेटा? 19 और 21 के बीच। अच्छा हुए थे। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, ठीक है। आपने क्या करना है, सोमवार के दिन भगवान शिव को भस्मी चढ़ानी है। भस्मी क्या होती है सर? ठीक है, मार्केट में मिल जाएगी आपको, पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएगी, भस्मी चढ़ानी है भगवान शिव को। ठीक है, सोमवार को तो ये काम करना है बच्चे। आपका जो टाइम है वो बेहद खराब चल रहा है, अपने टाइम को जांच कर परख कर किसी से झगड़ा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। घर में भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, उसे भी चुपचाप सुनते रहें। आपका टाइम खराब है, जो टाइम अच्छा आएगा तो बताएंगे, है ना? हाँ, आपको कल हो गया झगड़ा परिवार में, कल झगड़ा हो गया, साथ सुनने को मिल गया किसी के कारण। बेटा मैंने बेटा मैंने बिल्कुल सारी चीजें जान ली है, बिना पूछे आपकी सारी समस्याओं का समाधान बता दिया। नहाने के पानी में हल्दी डाल के रोज नहाएं, गुरुवार को केश ना धोएं बेटा, ध्यान करें, और एक पुस्तक मिलेगी आदित्य हृदय नाम की पुस्तक मिलेगी, उसका रोज पाठ करना है सूर्योदय के समय जल देने से पहले। ठीक है बेटा, इतना आपको काम करना है, 41 दिन तक ये सारा काम करना है, ईश्वर आपका कल्याण करें। हाँ बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपका कल्याण करें। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य शाह। जन्म तिथि बताएं आप। 8/6/1999। जन्म का समय बताएं बेटा। 7:45 PM। बर्थ प्लेस बताएं बेटा। चिटागोंग बांग्लादेश। अच्छा बांग्लादेश। CHI। जॉब की आपको बेटा दिक्कत है, जॉब नहीं लग रही है आपकी, बता देते हैं आपको कि जॉब क्यों नहीं लग रही है और कब तक लग जाएगी। पढ़ाई कहाँ तक करिए बेटा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर 2 महीने पहले ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है, इंग्लिश से ऑनर्स किया है। इंग्लिश ऑनर्स किया बेटा। एक चीज जानना चाहेंगे, आपको पेट की दिक्कत रहती है या पैर में कहीं कोई चोट का निशान है बच्चे? सर पेट में दिक्कत रहती है, पैर में एक पुराना चोट है। ठीक है बच्चे, ठीक है, कुंडली को हमने कन्फर्म किया है। जी बच्चे आपको बता देते हैं आपकी जॉब कब तक लग जाएगी। बेटा लगभग अभी आपको 2 महीने और स्ट्रगल करना है, 2 महीने स्ट्रगल करने के बाद आपको जरूर जॉब मिल जाएगी। 2 महीने का स्ट्रगल है बेटा। सर मैं सोच रही थी कि यूट्यूब और फ्रीलांसिंग करने की,
वो सही रहेगा क्या? YouTube के लिए पार्ट टाइम में ठीक रहेगा बेटा, फुल टाइम आप YouTube पे अभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, पार्ट टाइम कर सकते हैं, धीरे धीरे परफॉर्मेंस आएगी। और 2023 में 25 अगस्त के बाद अगर आप लगातार काम पे जुटे रहते हैं YouTube पे तो जरूर आपको सफलता मिलने के चांस हो। ठीक है आदित्य, तो सर मैं जॉब ऑफर के लिए इंटरव्यू दिया था लास्ट 12 में, सर वो मिल जाता तो अच्छा होता, सैलरी भी अच्छी है, वर्क थोड़ा प्रेशर है पर सैलरी अच्छी है, प्लस नेटवर्किंग अच्छी है, लाइक इस शहर की नेटवर्किंग में ज्यादा। उस पर बेटा अभी, अभी आप ट्राई करें लगभग, हाँ बेटा अभी आप ट्राई करें, अभी आपको ना 1.5 से 2 महीने तो कम से कम स्ट्रगल ही करना है, हो सकता है वही जॉब आपको मिल जाए। एक मैं छोटा सा उपाय आपको बता देता हूँ।